व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक, ऐसे बड़े बड़े ऐप्स बैन हो जाएंगे 24 घंटे के अंदर अंदर। ये न्यूज आपने भी जरूर सुनी होगी, और हाँ जी मैंने भी जरूर सुनी है। ऐसी कुछ न्यूज हमारे सामने कुछ दिनों पहले आई थी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, मेरे सारे ऐप्स बिल्कुल सही चल रहे हैं। लेकिन क्या आपको पता है ऐसी न्यूज क्यों आई थी? क्या आपने इसके पीछे का रीजन जानने की कोशिश की? नहीं ना। अगर नहीं पता है तो इस वीडियो को मेरे साथ आखिर तक बने रहिए, और मैं कोशिश करूंगा कि आपको सारी न्यूज सही टाइम पे दे सकूं। मैं अक्षत बंसल स्वागत करता हूं आपको द पेन पॉइंटर्स की एक और नई वीडियो में। तो भैया पूरी स्क्रिप्ट तुम्हारे भाई ने लिख ली है, तो चलो यार वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहले अगर हम पॉलिसी की बात करें तो आ जाता है ग्रीवेंस रेड्रेसल मैकेनिज्म। डरने की जरूरत नहीं है, मुझे पता है नाम जबान तो तला सकता है, लेकिन तुम्हारा भाई है ना, सारी पॉलिसी इतनी आसानी से समझाएगा कि तुम्हें मजा आ जाएगा। पॉलिसी में कुछ नहीं है, अगर किसी बंदे की कोई गलत न्यूज फैलती है तो डायरेक्टली 24 घंटे के अंदर अंदर कंपनी को कॉन्टैक्ट कर सके, ऐसा कोई मैकेनिज्म कंपनी को बिल्ड करना पड़ेगा ताकि वो कंपनी उस न्यूज को हटा सके और उस बंदे के खिलाफ ये गलत न्यूज ज्यादा टाइम तक ना फैल सके। 24 घंटे के अंदर अंदर वो बंदा उन्हें कॉन्टैक्ट कर सकता है, 15 दिन के अंदर अंदर कंपनी को रिजल्ट दिखाना पड़ेगा। अगली जो न्यूज है वो है इंश्योरिंग सेफ्टी। हाँ जी गाइस, इंश्योरिंग सेफ्टी जो वुमेन्स के लिए काफी जरूरी है। तो कंपनी को ये कहा गया है कि जो भी पिक्चर्स या एडिट फोटोज जो लड़कियों की मॉप डोके या उनकी कुछ न्यूड फोटोज जो लोग एडिट करके डाल देते हैं उसके ऊपर कंपनी कोई एक्शन ले, यानी कि कंपनी उन फोटोज को आगे सेंड होने से या आगे ट्रांसफर होने से रोक सके। इसके लिए कंपनी को कुछ स्ट्रिक्ट एक्शंस लेने पड़ेंगे ताकि ये फोटोज आगे जाके ट्रांसफर ना हो सके और ज्यादा लोगों तक ना फैल सके और लड़की की भी सेफ्टी बनी रहे, लड़कियों की भी। जो नेक्स्ट हमारी पॉलिसी आती है उसमें यह है कि कंपनी को 3 बंदे हायर करने पड़ेंगे, जो है चीफ कंप्लेनेंस ऑफिसर, नोडल कॉन्टैक्ट पर्सन, रेजिडेंट ग्रीवेंस ऑफिसर। इन 3 बंदों का काम बेसिकली इतना ही होगा कि ये बंदे इंडिया के होंगे और ये इंडिया की जो भी प्रॉब्लम होंगी उन ऐप से रिलेटेड उसको 24 घंटे के अंदर सुनकर 15 दिन के अंदर उन पर रिजल्ट लाके देना पड़ेगा। यानी कि इन 3 ऑफिसर्स को यहाँ पे ही इंडिया से ही हायर किया जाएगा, मतलब एम्प्लॉयमेंट तो भरने वाली है गाइस, थोड़ी बहुत तो एम्प्लॉयमेंट बढ़ने वाली है। प्लस इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप जैसे कुछ बड़े बड़े जो ऐप्स हैं उनको अपने ऑफिसेज इंडिया में सेटल करने पड़ेंगे। हाँ जी गाइस, फेसबुक का ऑफिस तो इंडिया में है, लेकिन कभी भी आपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम के ऑफिस नहीं देखे होंगे, तो इनको भी अपना ऑफिस इंडिया में लाना पड़ेगा, एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी उससे, और भी काफी चीजें मिलेंगी गवर्नमेंट को। लेकिन उसका बेसिक मोटिव ये नहीं है, ताकि गवर्नमेंट डायरेक्टली कॉन्टैक्ट कर सके, उसका बेसिक मोटिव यही है। तो यार क्यों होगा अगर ये सारे ऐप बैन हो जाएंगे? तो कभी आपने ये भी सोचा, कुछ लोगों के तो घर भी चलने बंद हो सकते हैं, इंस्टाग्राम पर रील बनाने वाले, ट्विटर पर ट्वीट करने वाले। मैं कंगना की बात नहीं कर रहा हूँ गाइस, कंगना की बात नहीं कर रहा हूँ, जो कि क्या ही बोलूं, अच्छा बैन हो गया उसका, बढ़िया है भाई, सब बढ़िया है। और क्या होगा अगर इंस्टाग्राम रील्स बनाने वालों के होगा? कुछ अच्छे इन्फ्लुएंसर्स भी हैं क्योंकि, और कुछ है जो छपरी हैं। तो पहले यार छपरियों की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहला छपरी आ जाता है, वो आ जाता है हमारी ये वीडियो। और यार मतलब बदनाम तो इनके माँ बाप हो जाएंगे अगर ऐसी वीडियोस ये देख लेंगे तो, क्योंकि माँ बाप ये सोचते हैं कि उनका बेटा आईएएस बनेगा, आईपीएस बनेगा, लेकिन वो तो सुबह सुबह बदनाम है कोई करके किसी का क्या सूंघ रहा है ये तो मैं भी नहीं समझ सकता। लेकिन चलो यार दूसरी रील की तरफ बढ़ लेते हैं, और आ जाता है ये हमारा सस्ता कबीर सिंह। डू आई डिजर्व दिस? कभी प्यार में डिजर्व इसका क्या होता है? फिल्मी लैंग्वेज में बात किया ना तो एक कान के नीचे बजा के दूंगा। व्हाट्स रॉन्ग विद योर फादर? प्यार से बात करो तो समझ में नहीं आता उसको, इज डम और व्हाट? कबीर इज माय फादर। सो वो क्या? आई वाज व्हाट? इज माय फादर। मतलब यार तुम इसकी बात तो सुनो यार, अगर कबीर सिंह ऐसा होता ना पिक्चरों में तो लोगों ने कबीर सिंह फिल्म ही देखनी छोड़ देती थी। और क्या कहते हैं, मैं तो प्रीति के पापा से एक ही बात कहना चाहूंगा कि मेरे घर के बगल में डंडा पड़ा है, लठी लट मारो इस लड़के के अंदर और छाती लाल कर दो लड़के की। लेकिन ठीक है यार, हर बंदे की अपनी चॉइस होती है, कोई कुछ कर नहीं सकता। लेकिन कुछ अच्छे क्रिएटर्स भी है, जैसे कि द पेन पॉइंटर। हाँ जी अपनी ही बात कर रहा हूँ, हम अच्छी से अच्छी न्यूज टाइम टू टाइम देने की पूरी कोशिश करते हैं, सही टाइम पे देने की कोशिश करते हैं। तो हमारे को इंस्टाग्राम पे जाकर फॉलो करो, इन गधों को मिलियंस में व्यूज देने के बजाय हमें कुछ हजारों में व्यूज दो, ताकि हम और अच्छी न्यूज लाने के लिए मोटिवेटेड रहे, हमारे पास भी थोड़ा बहुत, समझ लो ना, थोड़ा बहुत पैसा है, और हम भी कुछ कहते हैं कपड़े वपड़े खरीद सके। यार कब तक ये लाल टी शर्ट और काली टी शर्ट में वीडियो बनाता रहूंगा मैं। और बात कर लेते हैं अगर क्या कहते हैं फेसबुक जैसे बड़े बड़े ये ऐप्स क्यों बैन नहीं होंगे इंडिया में, तो यार इनके पीछे क्या कहते हैं, गवर्नमेंट पूरी रिसर्च करेगी और ये कंपनीज भी पूरा अपना ट्राई हार्ड करेंगी ताकि ये कंपनीज बैन ना हो। तो इतनी बड़ी बड़ी कंपनीज इंडिया में बैन तो होने वाली है नहीं, तो इन्फ्लुएंसर्स तुम तो खुश हो जाओ कि बैन होने का तो कोई सिस्टम है नहीं। लेकिन जो ये मेरे को ये नहीं समझ आ रहा कि गवर्नमेंट एंड टू एंड इनक्रिप्टेड पॉलिसी को भी देखते हुए ये सारी पॉलिसीज अप्लाई कैसे करेगी। चलिए देखते हैं यार क्या होता है गवर्नमेंट की पॉलिसीज और एप्स के साथ,
ये हमें आने वाले टाइम में कुछ टाइम में पता चल ही जाएगा। तब तक के लिए मैं आपसे अलविदा लेता हूँ और मैं चाहूंगा कि आप इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अगर आपने तक वीडियो देख लिया तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और बताएं अपने इन्फ्लुएंसर दोस्तों को, छपरी नहीं जो सही वाले इन्फ्लुएंसर है उनको बताएं कि यार सही टाइम आ चुका है, किताबें उठा ली जाए, इंस्टाग्राम देखना छोड़ दिया जाए। मजाक कर रहा हूँ दोस्तों, कोई बात नहीं, चलिए मैं चलता हूँ।